ये ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दलाली का जो धंधा चल रहा है, जिसपे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद सवाल उठा रहे हैं, इस पे आज योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी तो आप हमेशा बनाते हैं, कोई भी घोटाला होता आप एसआईटी बना देते हैं, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। कहीं पे सीनियर डॉक्टर जूनियर हो गया, जूनियर डॉक्टर सीनियर हो गया, मजाक बना रखा है आपने। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए और जांच कमेटी बैठाई है। आपको याद होगा उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, उन्होंने खुद कहा था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है डॉक्टरों की, चिकित्सकों की, चिकित्सा कर्मियों की, उसमें तमाम अनियमितता बरती गई और तबादला नीति की अनदेखी की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय बृजेश पाठक जी ने कहा, जो कि स्वयं इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को खुद जाकर अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है। डीजी हेल्थ जो स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय हैं, वो जिस दिन उनका रिटायरमेंट का दिन है, उस रिटायरमेंट के दिन पर वो सारे ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर भी बड़े मजेदार हुए हैं, वो आपको इस पे आप लोग एक किताब लिख सकते हैं, बड़ी कहानी बढ़िया लिख सकते हैं, एक बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती है। डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, इनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, उसके बाद एक डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर सुधीर चंद्रा। डॉक्टर सुधीर चंद्रा की मृत्यु हो गई, उनकी 13वीं हो गई, उसके बाद उनके ट्रांसफर का ऑर्डर कर दिया गया। जिस डॉक्टर की मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, और कोई सामान्य डॉक्टर नहीं, डिप्टी सीएमओ लेवल का डॉक्टर, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ट्रांसफर। एक सर्जन है डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। 13वीं के बाद डॉक्टर दीपेंद्र सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। और सुनिए आप, एक एक डॉक्टर है जौनपुर में, और जौनपुर के उस डॉक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया, उसका निधन 2 साल पहले हो चुका है। 2 साल पहले जिस डॉक्टर का निधन हो चुका है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और मजेदार बात सुनिए, एक डॉक्टर का 2-2 जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया, एक डॉक्टर का 2-2 जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया, एक डॉक्टर जो 2 साल पहले खत्म हो चुका है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, एक डिप्टी सीएमओ जिनकी 13वीं हो चुकी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, एक सर्जन दीपेंद्र सिंह जिनकी 13वीं हो चुकी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये स्वास्थ्य विभाग में मजाक हो रहा है। ये अमरोहा की खबर है, यहां पे कोई महिला डॉक्टर प्रसव कराने के लिए नहीं है और 10 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई, 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई।
डेंटल हाइजीनिस्ट जौनपुर में ये तैनात थे, 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, विजय श्रीवास्तव जी, और इनका तबादला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज में कर दिया गया। इसी तरीके से एक डॉक्टर अरुण यादव हैं, उनका निधन 18 दिसंबर 2021 को हो चुका है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है। डेंटल हाइजीनिस्ट विजय श्रीवास्तव, जिसका 2 साल पहले निधन हो चुका है, उसका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अरुण यादव 2021 में जिसका निधन हो चुका है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ये ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दलाली का जो धंधा चल रहा है, जिसपे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद सवाल उठा रहे हैं, इस पे आज योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी तो आप हमेशा बनाते हैं, कोई भी घोटाला होता आप SIT बना देते हैं, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। ये खुलेआम जो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुई है, इसमें मजाक किया गया है। एक एक डॉक्टर का दो दो जगह पे तैनाती कर दी गई है, मृत डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये जो गड़बड़िया की, अंतिम दिन रिटायरमेंट के DG स्वास्थ्य ने, जो महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग का था, उसने सारे ट्रांसफर किए हैं, क्या इसके बाद भी आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसमें जेल कितने लोग जाएंगे, कितनों पे कार्रवाई हुई? और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, बृजेश पाठक जी से भी कहूंगा, हर जगह छापेमारी आप कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बैठ के अधिकारी लोग चला रहे हैं, इनके ऊपर छापेमारी आप कब करेंगे? इनके ऊपर भी छापेमारी करिए, और जो जो अनियमितता और गड़बड़ियां की हैं इन्होंने, कहीं पे सीनियर डॉक्टर जूनियर हो गया, जूनियर डॉक्टर सीनियर हो गया, मजाक बना रखा है आपने। स्वास्थ्य महकमा जैसा महत्वपूर्ण महकमा, उस महकमे के अंदर इस तरह का खेल और मजाक चल रहा है, यह बड़ी अजीब बात है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग धंधा आपके यहां चल रहा है, इस पर अंकुश लगाइए, और सिर्फ जांच कमेटी बनाने की औपचारिकता मत कीजिए, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने दलाली और भ्रष्टाचार करके ये ट्रांसफर पोस्टिंग की है।